पाकिस्तान कस्टम ने आवाम को सस्ते दावों चीनी पत्ती और दीगर अशिया देने की ठान ली तो लेकिन सामान कम पड़ गया है और आवाम का हजूम उमड़ आया है। मोहम्मद खालिद की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान कस्टम ने मुख्तलिफ छापों में पकड़ी जाने वाली चीनी पत्ती और दीगर अशिया को नीलाम करने के लिए जॉइंट रोड पर इतवार बाजार में सस्ते दामों आवाम को देने का फैसला किया। चीनी का रेट हमने 100 रुपीज पर केजी रखा है और पत्ती का रेट हमने 700 रुपीज पर केजी रखा है। महंगाई का सताया लोगों का हजूम कई बार बेकाबू हुआ। लोगों का कहना था मुनज़्ज़म इंतजाम के जरिए वाफर मकदार में इस इकदाम को मुमकिन बनाया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। सुबह 9 बजे से आए, बहुत तकलीफों से ये मिले, हम इधर इधर तक पहुँचे। देखो ख्वारी से अगर आप दिखा सकते हैं लोगों को, हुकूमत को चाहे इस तरह के रिलीफ से क्या फ़ायदा है। स्टूडेंट पे करे या मस्पटी में करे, बहुत जगह है। इधर इतवार बाजार भी लग जा रहे है, रश बश भी हो रहे है, माजूर लोग भी आ रहे हैं, हम खुद पाँव से माजूर है। सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश की फरामी ऐसा इकदाम है। ये काम मुस्तकिल सस्ते बाजारों में जिले इंतजामिया करे तो महंगाई में कमी आ सकती है। कैमरामैन फजल वाब के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़ क्वेटा।